हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक या यूट्यूब चलाते हैं आपको मेक जॉब आपको मालूम ही होगा, क्योंकि उनकी वीडियोस बहुत जो कमाल की जो होती है, उन्होंने 2 महीने में जो कर दिखाया और शायद ही किसी ने यूट्यूब पे जो उसका कर दिखाया, उनका जितना नाम और जितनी भी उनकी वीडियो 3D वीडियो बनाते हैं वो कैसे, और उनकी जो वॉइस क्लियरिटी होती है वो कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो वीडियो अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से वो बनाते हैं, जो कि इतना जो ब्रिलियंट वो दिखता है, इतना मज़ा आता है। अगर आप उनकी वीडियो देख रहे होंगे तो अब मैं शर्त लगा सकता हूँ हम कि उनकी वीडियो जो शुरुआत अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, कैसे वो आप अपनी खुद की ऐसी ही वीडियो जो है बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और जो है ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं। जी हाँ, जो वो मेक जॉब ऑफ वाले जो यूज़ करते हैं वही हम आपको बताएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फाजिल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक मीडिया 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको मैं एक बता दूँ, देख सकते हैं आप जैसे कि इनके मेक जॉब ऑफ है, इनके जो 10 10 वीडियो आप देख सकते हैं, तो 985K जो है उनके, मतलब 9,85,000 जो इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इन्होंने वीडियो सिर्फ 10 ही डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। आप देख सकते हैं इनका ये जो ज्वाइन हुए थे वो 1 अगस्त को हुए थे, और 2017 को 2017 इसी इसी जो है साल में वो एडिट हुए थे, उन्होंने अपनी वीडियो एडिट की थी। तो दोस्तों, इन्होंने कमाल कर दिखाया, मतलब आप देख सकते हैं कितने जो सब्सक्राइबर इनके तो बहुत हैं, 9,85,000 3-4 महीने में। आप देख सकते हैं इनकी वीडियो जो चल रही है, देख सकते हैं आप इनकी जो वॉइस क्वालिटी है बहुत जो कमाल की है। दोस्तों, ये कैसे एडिट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए। आने के बाद आपको एक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे से आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप दोस्तों, इसको जो है कुछ इस तरीके का खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लेंडर। आप अगर विंडोज 64 बिट या फिर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं मैक, तो आपको यहाँ से वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड ब्लेंडर पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो है वो डाउनलोडिंग नीचे शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे जो है डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। तो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर लें सीधे सीधे। डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का जो आपको दिखेगा, दिखने के बाद आप इसको क्या है राइट क्लिक करके जो है इसको रन रन पे क्लिक कर दें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। दोस्तों, इंस्टॉल कर लें इसको। इंस्टॉल करने के जो है आपको मैं बताता हूँ, रन एनीवे पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं जैसे कि जो प्रोसेसर चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। आपको ये भी बता दूं मैं, इसको इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास हेवी पीसी होना चाहिए। हेवी पीसी का मतलब ये है कि आपके पास कम से कम जो कोर T2 के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि आप कोर T2 भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास विंडोज़ कोई सी भी हो चलेगी, लेकिन आपका यह है कि रैम ज़्यादा होना चाहिए। रैम ज़्यादा होगा तो आपके जो है हैंग नहीं करेगा। तो इसका इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं, तो कि इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों, मैंने वीडियो इसलिए पॉज करी थी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग गया है, आप ये ना सोचेंगे मेरे इसमें फास्ट हो गया। तो इसको इंस्टॉल होने दे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम ले उसे लेने दें। तो चलिए हम इसे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद हमारे पास जो है ब्लेंडर आ चुका है, देख सकते हैं आप ये कंप्यूटर के नीचे है। तो इसको हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जिसमें ये कमांड चल चुकी है, अब ये ओपन होने को रेडी है। ओपन हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। आपको जब फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का जो नज़र आ चुका होगा। आपको इसमें देख सकते हैं कोई भी फाइल जो आपने अगर माया का नाम सुना होगा तो आपको माया यहाँ पे मिल जाता है, 3D Max मिल जाता है। दोस्तों, हम ब्लेंडर पे ले सकते हैं और किसी भी स्क्रीन पे क्लिक करके हम इसे हटा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का, आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होइए। आपको मैं सबसे पहले छोटी बिंदी से शुरुआत करता हूँ। ये छोटी बिंदी जो है अपनी हमारी जो लाइट है, ये लाइट का काम करती है। आपको लाइट कहाँ पर ज़्यादा होना है, कहाँ पर, यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर क्रिएट होगा, ये रेड लाइन देख रहे हैं, इसको जितना यहाँ लाएंगे इतना पास होगा, जितना पीछे लेके जाएंगे उतना जो है छोटा होगा। तो दोस्तों, ये राइट में करेंगे तो बगल वाला दिखेगा, और ये तो दोस्तों ये कैरेक्टर हम अपनी तरफ से जो है इसे डालेंगे। और इसका ये जो है हमारा कैमरा डायरेक्शन है, ये कैमरे को हम कैसे साइड करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे,
वो जो 3D कैमरा आपने देखा होगा, एकदम फेस के पास ले आता है, फिर फेस के पास से ले आता है, जो फेस का इफेक्ट होता है कुछ अलग ही दिखता है। तो इस तरीके का हम जो इसमें एडिट कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो फंक्शन है, आपको फाइल अपलोड करनी है यहाँ से कर सकते हैं, न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको इसी के रिलेटिव और वीडियो चाहिए, जैसे कि इसके फेस की रेडिंग, आपको अपना जो एक जो भी आपका क्रिएट आपको कैसे चलाना है, कैरेक्टर कैसे चलाना है, बढ़ाना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़रूर मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा। और इसको लाइक ज़रूर करिए, अगर आपको लाइक करेंगे तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लाने की जो कोशिश करूँगा, ताकि आपको जो है फुल ट्यूटोरियल मिल सके, वो भी पूरे पूरे उसके साथ। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो नीचे लाइक ज़रूर कर रहे हैं, और कमेंट में ये बताएं ज़रूर ये आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आपको मैं उस पार्ट में बिल्कुल बता दूंगा आपको कैसे फेस क्रिएट करना है, कैसे आपको उसके मुंह चलाना है, उसको चलाना है, कैसे बैकग्राउंड पीछे का लगाना है, आपको कैसे स्टोरी करनी है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे नीचे लाइक ज़रूर करेंगे, अगर मुझे 100 लाइक से भी ज़्यादा मिल जाते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत लगता है, आपको मैं पूरा ही समझा के बताऊंगा, क्योंकि आप अगर 100 लाइक भी नहीं कर सकते तो मेरा बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए दोस्तों, उम्मीद है अगली मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।